कैसा है तू? झगड़ा बाप बेटे में और सजा मिले मुझे। नीति से नहीं मिलाएगा? नीति, माय मॉम। मॉम, नीति, आपकी होने वाली बहू। अरे जीते रहो बेटा, कितनी सोनी और कितनी प्यारी है ना, इसकी फोटो तो मैंने पहले से देख रखी है। आपने नीति की फोटो कहाँ देख ली? मॉम हूँ मैं तेरी, तू किससे शादी कर रहा है, कौन सी लड़की है, कैसी लड़की है, भला मैं इन्फॉर्मेशन ही निकालूंगी? शैली बेटा, जब तुम्हारी माँ ने नीति की फोटोग्राफ देखी तो मुझ पर गुस्सा हो गई। लेकिन आपसे गुस्से होने का क्या लॉजिक है? Exactly, यही मैंने इससे पूछा, तो कहने लगी कि मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करता तो तुम अपने जिंदगी का ये स्पेशल दिन हमारे बिना कैसे सेलिब्रेट करते? डैड, यू नो मैंने आपसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बस मैं आपकी किसी बात से थोड़ा नाराज था, दैट्स इट। एनीवे, इट्स ऑलराइट। एंड थैंक यू सो मच। अरे आप दोनों मेरी सगाई में आए। चुप रहे, बताओ, अपने मॉम और डैड को थैंक यू बोल रहे हैं। शैली, ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? आंटी जी, ये परी है, पांचवा परिवार की बहू और मेरी बीवी। और तुम संजू? जी, आपको कैसे पता? हम किसी इनॉग्रेशन पर मिले थे, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैंने इन्हें कहा था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू आंटी जी। जल्दी कीजिए आप लोग, मुहूर्त का समय हो गया है, अब सगाई शुरू करते हैं। मैं आप सबको यही बताना चाहता था कि अब सगाई कैंसिल कर देते हैं। देखा, कहा था ना मैंने। लेकिन शेरी क्यों? मॉम, नीति के लेफ्ट हैंड में चोट लग गई है। तो क्या हुआ? मॉम, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पर ही एंगेजमेंट रिंग पहनाई जाती है और नीति वो नहीं पहन सकती। तो चोट का बहाना बना के नीति बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। नीति पुत्र, आज का दिन बहुत शुभ है, अजय का मुहूर्त निकला है और आज से चंगा दिन तो सगाई के लिए मिल ही नहीं सकता पुत्र। आई नो ताई जी, मुझे पता है, लेकिन नीति का लेफ्ट हैंड। कोई गल नहीं पुत्र, चोट लेफ्ट हैंड में लगी है ना, रिंग राइट हैंड में पहन ले। बट देखो पुत्र, रिश्ते में प्यार होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी हाथ में अंगूठी पहन लो, क्यों है ना? बट आंटी जी, नीति ताई जी एकदम सही बोल रही है, प्यार को एक कदम और आगे लेके जाने का नाम होता है सगाई। अपने लाइफ पार्टनर से लाइफ टाइम का वादा होता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, और वादा तो वादा होता है ना, उसे तो दिल से निभाया जाता है, और जिन लोगों के हाथ नहीं होते वो भी तो रिश्ते निभाते हैं ना। बहुत बुरी आदत है परी की, बीच में अपना मुंह चलाने की। एक बार सब चीजें मेरे हिसाब से हो जाने दे परी, सबसे पहले ना मैं तेरी जुबान ही काटूंगी। नीति, क्या सोचने लग गई? देख, तेरी कोई भी गलती नहीं, तू क्यों टेंशन ले रही है, हम सब तेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। पर यार परी, देख पुत्र, तू खामखा चिंता कर रही है। पंडित जी, आप रस्म शुरू कीजिए। क्या करूं मैं, कैसे रुकूं इन्हें? परी जितनी सुंदर है उसकी सोच भी उतनी ही सुंदर है। ये सही कह रही है, प्रॉमिस तो दिल से ही निभाए जाते हैं ना। सबके सब दुश्मन है मेरे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। अगर आप सब लोगों को यही सही लग रहा है, नीति को भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। शैली पुत्र, क्यों इतना टेंशन ले रही है, हम सब कह रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल आजा रसम पूरी करते।
मैं बहुत लेट हो गया, अब नीति मुझे नहीं छोड़ेगी। आशीर्वाद ले लें सबका। जीवन दी रहे पुत्र, हमेशा खुश रहे। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू ब्रो। नीति कंग्रेचुलेशंस, बाबा जी तुझे हमेशा खुश रखे। कंग्रेचुलेशंस नीति। थैंक यू जीजू। तू तो गया दलजीत। हेलो 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 एवरीवन, कल शाम को हमारे घर जागरण है माता जी का, सो एवरीवन इनवाइटेड। जय माता जी। जय माता जी। तुम रूम में नहीं थी तो मैंने सोचा कि तुम टेरेस पे होगी, और देखो आई वाज राइट। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं यहीं आऊंगी? लगता है अब मेरा दिल भी तुम्हारे दिल को थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। क्या सोच रही हो? पता है राजीव, आज ना काफी दिनों बाद मेरे दिल को एकदम सुकून सा मिला है। सब कुछ बस बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अगर तुम कहोगे कि तुम्हारे सुकून की वजह मैं हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट आई नो ऐसा नहीं है तो चुक है। नहीं नहीं राजीव, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? सच कहूँ तो आज जो मुझे इतना सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह तुम भी हो। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? तुम भी? मतलब तुम्हारी इस खुशी की वजह मेरे अलावा कोई और भी है? हाँ। कौन? नीति। तुम्हें पता है ना, नीति की खुशी में मेरी खुशी है। आज नीति को इतना खुश देख के ना मेरा दिल एकदम खुश हो गया। नीति को शैली जैसा लड़का मिल गया जो उसे कितना खुश रखेगा, इसे बहुत प्यार करने लगा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गई नीति की बात, अब मेरी बात करते हैं। राजीव, जिस तरह से तुमने नीति को हैंडल किया ना, जैसे उसकी केयर की, थैंक यू मेरी दोस्त का इतना ख्याल रखने के लिए। डोंट वरी परी, तुम्हारी इसी स्माइल के लिए ना मैं नीति की हमेशा केयर करूंगा। सिर्फ और सिर्फ ताई जी और परी जिम्मेदार है सगाई के लिए। अगर वो दोनों चाहते तो ये सगाई नहीं करनी पड़ती मुझे। कि नहीं, परी को तो हमेशा मेरे काम को बिगाड़ने की आदत है। पता है राजीव, जब शैली नीति को अंगूठी पहना रहा था ना, तो नीति के चेहरे की खुशी साफ साफ दिख रही थी। बहुत ज्यादा खुश थी वो। मेरी नीति ने ना बहुत कुछ सहा है, और शैली से शादी करके सच में उसकी जिंदगी सवर जाएगी। सो तो है। सवरेगी नहीं, पर बहुत हो जाएगी मेरी जिंदगी। परी, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, पता नहीं अचानक से सर में दर्द होने लग गया, पर कोई बात नहीं, एकदम एकदम मामूली सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब? मुझे कुछ भी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूंगी? जल्दी हार नहीं मान सकती, हार नहीं मान सकती। ये क्या हाल बना लिया तूने अपना? हाँ, इसे कितनी अच्छी दिखती थी, और अब देख। नहीं, इसे अच्छी दिखती नहीं थी, पर इसे अच्छी दिखती हूँ, और हमेशा उसे अच्छी ही लगूंगी मैं। लोगों की नजर में शैली और नीति की सगाई हो गई, लेकिन नीति ने ना बहुत होशियारी के साथ सगाई की अंगूठी दूसरे हाथ में पहन ली। जिस हाथ में अंगूठी पहनी जाती है ना, उसने वो हाथ जानबूझ के जख्मी कर लिया और अंगूठी इस हाथ में पहन ली ताकि लोगों को शक ना हो। भाई इधर आओ।